हे गाइस, ये वीडियो में हम बात करेंगे नेक्सोटेल साई कॉटेज रिसोर्ट के बारे में जो महाबलेश्वर में है। हमेशा की तरह ये वीडियो भी टू पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट इज़ अ क्विक रिव्यू, तो अगर आप जल्दी जल्दी में हो तो क्विक रिव्यू देख के आप फटाफट डिसीजन ले सकते हो। और सेकेंड पार्ट में मैं आपको एलोबरेटेड फुटेज भी दिखाऊँगा। हमेशा की तरह ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। हम लोग यहाँ पर 2023 के मानसून में गए थे और जो भी एक्सपेंसेस है हमने खुद से पे किए थे। सो दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। माय नेम इज़ ऋषिकेश वारे और क्विक रिव्यू शुरू करते हैं। तो क्विक रिव्यू चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। अबाउट द रिसॉर्ट, गुड पॉइंट्स ऑफ द रिसॉर्ट, नॉट सो गुड पॉइंट्स ऑफ द रिसॉर्ट और ऐसे पॉइंट्स जो रिसॉर्ट के कंट्रोल के बाहर है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट, अबाउट द रिसॉर्ट। ये रिसॉर्ट महाबलेश्वर के माचुतर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो एग्जैक्टली महाबलेश्वर में नहीं है, महाबलेश्वर से 10 किलोमीटर्स अवे है। ये रिसॉर्ट करंटली नेक्सोटेल होटल मैनेजमेंट कंपनी चला रही है, इसलिए इसका नाम है नेक्सोटेल साई कॉटेज। मुझे लगता है साई कॉटेज ये ओरिजिनल रिसॉर्ट था और नेक्सोटेल ने इसको बाद में चलाने के लिए लिया है। और एक बात है कि ये रिसॉर्ट शायद पुराना था, इसमें कुछ पुराने रूम्स है और कुछ नए रूम्स है, इसलिए अगर आप फोटोज़ देखोगे इनके ऑनलाइन तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि कुछ रूम्स काफ़ी पुराने दिखते हैं और कुछ रूम्स काफ़ी नए दिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर गूगल पे आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको हर बुकिंग वेबसाइट पे इनका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इनका खुद का वेबसाइट नहीं है, नेक्सोटेल का वेबसाइट है जिसपे इनके बारे में एक छोटा सा कॉलम है या पेज है, और वहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजिंग काइंड ऑफ फ़ोटोज़ दिखेंगे और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है। अगर आपको बुकिंग करना है तो सीधा गूगल पे जो इनका एड्रेस आता है वहाँ पे फ़ोन नंबर है, हमने वहाँ से ही बुकिंग किया था। अब बात करते हैं इस रिसॉर्ट के अच्छे पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है इस रिसॉर्ट का लोकेशन जो वैली फेसिंग है। तो अगर आप मिड मानसून जाते हो तो आपको रिसॉर्ट के रेस्टोरेंट से या कुछ रूम्स से फॉर श्योर आपको वाटरफॉल्स दिखेंगे। सेकेंड पॉइंट है इनके रूम्स के बारे में। इनके नए जो रूम्स हुए वो काफ़ी अच्छे उन्होंने बनाए हैं, काफ़ी अच्छे उनको सजाया भी है, और इनके जो पुराने रूम्स है इसके बारे में मैं अगले सेक्शन में आपको बताऊंगा। थर्ड थिंग है इनके पास पूल है जो वैली फेसिंग है, लेकिन पूल के बारे में भी मैं अगले सेक्शन में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है किड्स एरिया के बारे में। यहाँ पे वैसे ओपन स्पेस काफ़ी है और बच्चों को खेलने के लिए कुछ राइड्स भी है, लेकिन अगेन विद अ स्टार विच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अगला पॉइंट है एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस। काफ़ी पार्किंग स्पेस है यहाँ पे, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत हो सकती है जो मैं आपको अगले सेक्शन में बताऊँगा। अब आते हैं नॉट सो गुड पॉइंट्स के बारे में। इसमें का फर्स्ट पॉइंट है रूम्स। तो अगर आप बुक कर रहे हो तो मेक श्योर आप नए रूम्स में रह रहे हो, क्योंकि इनके पुराने रूम्स है वो काफ़ी ओल्ड है और काफ़ी वर्न आउट है। तो अगर आप अगेन बुकिंग वेबसाइट्स पे जाके इनके रिव्यूज़ पढ़ोगे तो सब ने यही मेंशन किया है कि गो फॉर द न्यू रूम्स, कंफर्म विद द मैनेजमेंट दैट यू आर गेटिंग द न्यू रूम्स विच आर लिमिटेड अगेन। सेकेंड पॉइंट है अबाउट फूड। तो हमने हमारे पैकेज में ब्रेकफास्ट लिया था, ब्रेकफास्ट स्प्रेड सही था, सर्विस इवन ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट वी फाउंड वॉज स्लो। और इसके बाद लंच के लिए हम लोग बाहर निकल गए और शाम को हमने जब स्नैक्स मंगाए तो फूड टेस्ट वॉज ओके और सर्विस बहुत धीमे थी, इसलिए हमने डिनर का प्लान भी बाहर ही बनाया। इन जनरल इनकी सर्विस मुझे स्लो लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट ने हाल ही में इसको चलाने लिया है, तो शायद वर्कर्स या जो सर्विस मैन है वो अब तक अप टू स्पीड नहीं थे, लेकिन शायद ये साल वो चीज़ चेंज हुई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है पूल। पूल तो सही था, पूल का लोकेशन भी सही था, लेकिन हमको ऐसा फील हुआ कि क्लोरीन का जो मात्रा थी पानी में वो काफ़ी ज़्यादा थी और क्लोरीन का स्मेल बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो अनबेरेबल काइंड ऑफ हो गया था हमारे लिए। प्ले एरिया के बारे में मैंने बात की थी। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि स्लाइड्स और झूले हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, लेकिन मैं रिसेंट रिव्यूज़ देख रहा था कि वो जो राइड्स और झूले हैं वो अभी काफ़ी ख़राब कंडीशन में है,
तो अभी करंटली वहाँ पे क्या सीन है इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्किंग स्पेस, मैंने बोला काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये पूरा जो ओपन एरिया है वो मडी एरिया है या मिट्टी वाला एरिया है, तो बारिश में गाड़ी अटकने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। जो चलने वाला एरिया या घूमने वाला एरिया है वो अभी भी मिट्टी का है, तो बारिश में अगेन बच्चे, बुज़ुर्ग या आप भी खुद भी चलते वक्त फिसल सकते हो, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आते हैं ऐसे पॉइंट्स पे जो रिसॉर्ट के कंट्रोल के बाहर है, तो उसमें का फर्स्ट पॉइंट है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया, रिसॉर्ट महाबलेश्वर से 10 किलोमीटर दूर है माचुतर डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग ये रिसॉर्ट में रहके महाबलेश्वर के अलग अलग पॉइंट्स या महाबलेश्वर मार्केट में फ्रिक्वेंटली जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगेन बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, अगर आपको रिसॉर्ट का मील्स स्किप करके बाहर जाना है खाने के लिए, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है इन दैट सेंस। तो होपफुली अगर आप बारिश में जा रहे हो तो आप कार में जा रहे हो, या फिर आप अगर बाइक पे जा रहे हो तो यू हैव टू कैरी योर रेन गेयर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम यहाँ पे रह रहे थे तो मोस्टली हमने देखा कि सब यंग क्राउड था यहाँ पे, तो अगर आप फैमिली को लेके जा रहे हो या फैमिली ओरिएंटेड हो, और अगर आप साइलेंस या प्राइवेसी को सोच के जा रहे हो, तो यू माइट गेट डिसअपॉइंटेड। ये आपके लक के ऊपर डिपेंड होगा। तो ये था क्विक रिव्यू। अगर अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो मेरा प्लेलिस्ट है डिटेल रिव्यूज़ अबाउट रिसॉर्ट्स एंड होटल, वो आप चेक कर सकते हो। एंड इफ़ यू रियली एन्जॉय द कंटेंट ऑन दिस चैनल, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब। अभी चलते हैं डिटेल रिव्यू पे। तो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द होटल। अंदर आने के बाद यहाँ पे कुछ पार्किंग है, वहाँ पे प्ले एरिया है, नाइस प्ले एरिया हियर। देन व्हेन यू वॉक फ्रॉम हियर, यहाँ पे कुछ पार्किंग है, पार्किंग काफ़ी है इस होटल में, पार्किंग के लिए दिक्कत नहीं है। देयर आर सम रूम्स देयर, दैट इज द डाइनिंग एरिया। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। मानसिक गरिबी वेगळी असते। चल मी इकडून येतो, कोण खाली उतरतो काढणार ना। तो ये पूल है, खारट झाले पाणी बकवास। तो हमारे रूम्स यहाँ पे है, बाइक्स हमने यहाँ पे लगाए, पार्किंग के लिए काफ़ी बड़ी जगह है। आना आपको वहाँ से होता है, ये थोड़ा ऑफिस लन वाला एरिया है, यहाँ से अंदर लॉबी रूम्स। ये रूम है, रूम की एक बात अच्छी है कि आपको ये तो फ्रिज है, हाँ ये फ्रिज है, ये बैठने के लिए सामान रखने के लिए एक जगह है, यहाँ पे एक अलमारी और एक टेबल जैसे बोल सकते हो आप बैठने के लिए सामान, और देन वॉशरूम इज क्वाइट बिग, टाइल्स वगैरह मस्त है, यहाँ पे एक बाथटब भी है और काफ़ी बड़ा है बाथरूम एज यू कैन सी। पानी गर्म आज नहीं आया था, कल आया था, तुषार बोल रहे थे। एंड कमिंग टू द रूम,
बेड हमारा, जो हम अभी चेकआउट कर रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे सोफ़ा बैठने के लिए और एक टेबल, और एक टेबल सामान रखने के लिए, एंड देन दिस टेबल एंड चेयर, और यह है गैलरी। यहाँ पे स्विमिंग पूल दिख रहा है। दिस इज द व्यू ऑफ दिस रूम। अभी दूसरे रूम में चलते हैं। यह हमारी बगल की रूम है। यहाँ पे सिर्फ बाथरूम इस तरफ है। अगेन बिग बाथरूम, वेरी गुड टाइल्स। यहाँ पे भी फ्लोरिंग टाइल्स वगैरह है। रूम काफ़ी बढ़िया है। अगेन वन टेबल हियर, वन टेबल हियर, वन टेबल देयर। दिस इज द सीलिंग फैन। आवाज़ कर रहा था हमारे रूम का, तो काफ़ी एसी चल रहा है। एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम दिस रूम। यहाँ पे आराम से बैठ के टाइम पास किया जा सकता है। ये एक बड़ी रूम है। इस रूम में ये बेड और एक सोफा कम बेड। इसका वॉशरूम, क्लीन कमोड, गुड टाइल्स बट स्लिपरी। ये है और ये बाथटब। यहाँ से जब आएंगे तो यहाँ पे एक बैग रखने के लिए जगह, बैठने के लिए जगह। दिस इज वन अलमारी। दीज आर टेबल्स, सोफा कम बेड, वन चेयर। दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे हमारे बाइक्स पार्क है और गैलरीज की काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ से व्यू अच्छा आता है। सो दिस इज द बिगर रूम। अगेन रूम्स में टाइल्स, फर्नीचर, बहुत कुछ बढ़िया है एकदम। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट नेक्सोटेल साई कॉटेज। प्लीज़ मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में कुछ सजेशंस, कुछ इम्प्रूवमेंट्स। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी रह चुके हो तो मुझे आपका एक्सपीरियंस बताना, मुझे बताना कि जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उससे आप अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।